बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डे 3 पर हम यहाँ लीशान होटल सवात से मूव करके फिज़ा घाट में पहुँचे। और लीशान होटल के मनाजर कुछ इस तरह से हैं। इनर साइड इसकी यहाँ पर खाना खाने के लिए पूरा एक सेटअप बना हुआ है, और ऊपर जो है वो होटल रूम्स हैं। बड़ा पीसफुल सा एनवायरनमेंट था इनका। अर्ली ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग मूव कर गए शॉपिंग के लिए। अब ये जी फिज़ाघाट का बाज़ार है जो आपको नज़र आ रहा है अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर हमने बहुत सी चीज़ों की शॉपिंग की, जैसा कि सबसे पहले तो नट्स की बात करते हैं। मूंगफली का रेट सेम ही था यहाँ पर, पिस्ता बादाम वगैरह का भी रेट में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। लेकिन ये सारे नट्स अगर आप एक पैकेट में इकट्ठे मिक्सचर में लेते हैं तो फिर ये आपको सस्ते पड़ेंगे, लेकिन अगर आप अलग अलग लेते हैं तो इनका रेट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। और उसी तरह था जिस तरह नॉर्मली हमें पंजाब में मिलता है, सिवाय खुश्क उबानी के और मूंगफली के। इसके बाद ज्वेलरी के लिए हम लोग मूव किए, और एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन बहुत सारी खूबसूरत एंटीक ज्वेलरी इस शॉप पर मुझे नज़र आई। लेकिन इनके पास जो इनकी खवातीन यूज़ करती हैं फंक्शंस में, उस तरह की ज्वेलरी इनके पास मौजूद नहीं थी। हैंडमेड वर्क आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, जो कपड़ों के ऊपर ये लोग यूज़ करते हैं, या तो हम लगा सकते हैं खुद या फिर बने बनाए जो ड्रेसेस, वो यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के और बहुत सस्ते थे एज़ कम्पेयर टू पंजाब। दूसरी शॉप पर आते ही हमने देखा कि बहुत सारी टोपियाँ हैं और उसके साथ शॉल्स हैं, और ऐसी टोपियाँ जो कि थोड़ी कल्चरल टाइप हों। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे हमने नारान में देखा था। और जुलाई में हमारा विज़िट हुआ था नारान में, तो वहाँ पर मैं चादरों की और टोपियों की शॉपिंग कर चुकी थी। लेकिन फिर भी एक शॉल मुझे मेरी मदर के लिए पसंद आई और मैंने वहाँ से शॉपिंग कर ली उसकी। ओवरऑल रेट भी अच्छे थे और क्वालिटी भी कमाल थी। देन हम लोग कल्चरल फ्रॉक्स वाली शॉप पे मूव किए। बहुत खूबसूरत फ्रॉक्स थी, रीज़नेबल प्राइस के ऊपर ये लोग दे रहे थे। इनके पास ना सिर्फ फ्रॉक्स की बल्कि कल्चरल पर्स, कल्चरल शॉल्स, छोटे छोटे पाउच वगैरह की कलेक्शन भी मौजूद थी। इसके बाद हम लोग रवाना हो गए वापसी के लिए, और वापसी के लिए आप लोग देख सकते हैं कि ये सवात का बाज़ार है, सवात की गलियां हैं और बड़ा डेवलप है। नारान में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, लाइक आपको कोई ब्रांड या कोई शॉप्स इस तरह से नज़र नहीं आएंगी। पॉपुलेशन भी नारान के मुकाबले में सवात में ज़्यादा है, और ब्रांड शॉप्स डिवेलपमेंट भी इधर एज़ कम्पेयर टू नारान आपको ज़्यादा नज़र आएगी। वापसी पर हम लोगों ने ज़िद की कि हम लोग KFC के बगैर घर वापस नहीं जाएंगे, तो KFC तो लाजमुल मंजूम था, और उसके बाद हम लोग वापसी के लिए रवाना हो गए।